एक्सपेंसिव फेल, ऐसी गलतियां जिसकी वजह से हजारों लाखों का नुकसान हो जाता है। प्रेरणा, हजारों लाखों का नहीं, कई बार करोड़ों का भी नुकसान हो जाता है। चलो फिर देखते हैं ऐसे कौन से प्राणी हैं जिनसे गलतियां हुई हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हमसे भी होती रहती है। ओके, स्नोफॉल के टाइम बेचारे की एसयूवी पे इतना बड़ा हुआ आके गिर गया, खत्म, बाय बाय, टाटा, फिनिश। आई होप इंश्योरेंस हो उसकी। एग्जैक्टली, मैं भी यही सोच रही थी। ऐसा कुछ देख के ना मेरे को अपनी गाड़ी याद आ जाती है। अरे यार, तू हर्ष पहले ही अपनी गाड़ी को मत याद करने लग जाया कर यार, अपनी सही खड़ी है, सेफ है। ये शिप आ रही है, शिप आते इतनी महंगी शिप, खत्म। ओ शिट भाई, पूरी उसने पूरी सड़क तोड़ दी यार, पूरा हार्बर बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया यार। हालत देख तू। ये बच्चा उठा और बहुत ही मजे से अपने पापा का लैपटॉप लेके तोड़ दिया, तबाह, खत्म। उसका भाई आया उसे बचाने, मतलब इतना छोटा बच्चा है कि पापा भी क्या ही कहेंगे यार, क्या ही कह सकते। कर लो वर्क फ्रॉम होम। एग्जैक्टली, वर्क फ्रॉम होम के टाइम में काफी सबके साथ हुआ होगा। बच्चों को क्या ही पता लैपटॉप है क्या है। ओ बंदे की गाड़ी देख कहाँ पे जाके फंसी है। डैम, हर सोच तेरी गाड़ी कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाए। यार एक्चुअल में जो एसयूवी ले लेते ना ज्यादा हीरो बनते हैं, क्या वो एसयूवी है कहीं से भी निकल जाएगी। ये देख, $50,000 की इसको बेचारी को डैमेजेस आए हैं, और गेस व्हाट, यू गेस्ड इट गाइस, नो इंश्योरेंस। भाई मैं तो ना एक्सपायर होने से पहले 1.5 महीने पहले इंश्योरेंस करा लेता हूँ, कहीं भूल ना जाऊँ, कुछ दिक्कत ना हो जाए। बड़े महंगे खर्चे होते हैं भाई। मैं तो आप सबको कहूंगी, अगर आप कोई भी बड़ी महंगी चीज ले रहे हो, चलो थोड़ी सी भी महंगी, भाई बंदे को उसकी इंश्योरेंस सबसे पहले करानी। आजकल तो मैंडेटरी हो गया, किसी चीज़ की इंश्योरेंस होती है। कोई भरोसा नहीं है, गाड़ी, घर, कपड़ा, मकान, कोई भरोसा नहीं है आजकल। एक बात बता, इस कैमरे का इंश्योरेंस कराया तूने? यू विन। सोचते बच्चा बड़े मजे से टीवी के साथ खेल रहा है। खेल रहा है या तोड़ रहा है उसको? अबे मार रहा, तोड़ दिया पूरा भाई। और छोड़ो बच्चे को रूम में अकेला। ओ बेचारी आई है और अब अपनी किस्मत को रो रही है, काश मैंने इसको अकेला ना छोड़ा होता। बचपन में तूने कितनी बार ऐसा किया? पता नहीं हर्ष, मुझे लगता तूने किया होगा इसलिए तेरे को डाउट हो रहा है। मैंने एक बार भी नहीं किया, मुझे पता है कि मेरे मम्मी पापा मेरे को बड़ी मेहनत से चीजें दिलाते थे। इतनी एक्सपर्ट है ना, इतनी टैलेंटेड रही है बचपन से। टीवी नहीं तोड़ती थी? क्या तोड़ती थी बता? दिल तोड़ती थी। गाड़ियां तोड़ती थी। एक्चुअल में एक बार मेरे को याद है, मेरे गाड़ी को ना सीधा पेड़ के अंदर घुसाया, ऊपर से छत गायब, गाड़ी छत गायब, और पापा को बताया भी नहीं। क्या बात है प्रेरणा। हाँ, अगले दिन ना बड़े प्यार से पापा का हाथ पकड़ के लेके गई। मैंने कहा पापा ये देखो गाड़ी की ना ऊपर से छत मुझे कहीं से उड़ गई। झूठ बोल रही है, किसी और का नाम लगा दिया तूने? नहीं, मैंने अपना नाम लगा के बताया कि मेरे से हुआ है, क्योंकि कॉलेज में थी ना तो बड़ी हो चुकी थी, फिर तब कुछ कहते नहीं थे। ऑलराइट, बंदे बड़े मजे कर रहे हैं और यहाँ पे गोल होते होते बचा भाई ने दीवार में गोल कर दिया, छेद कर दिया पूरी दीवार में। भाई बंदे में पूरा मतलब पूरी पावर थी यार, बंदे ने इतना बढ़िया काम कर दिया। सुपर्ब यार। अगली बार से आपको कभी दीवार में होल करना हो, आपको बंदे की जरूरत है, आपको कोई मशीन चाहिए ही नहीं। ये टक्कर मारेगा, दीवार टूट गई। एग्जैक्टली, तो दया की जगह इसको नहीं बुला सकते हम? अपना और ये प्लेन क्या बढ़िया तरीके से क्रैश हुआ है। एक इसीलिए मुझे ऐसे ना चार्टर प्लेन से डर लगता है, मेरे को यार बड़े तो रिस्की होते हैं। सच्ची में खुद सोचता हूँ, ये कितनी बार कहती है हर स्काई डाइविंग करें, मैंने कहा वो प्लेन इतने रिस्की होते हैं ना, काहे पूछा के कोई डाइव करा दो। मैं बता रही हूँ, आजकल मैं वैसे भी बड़ी ऑब्सेस्ड हूँ, मैंने ये प्लेन क्रैश वाली बड़ी सारी मूवीज वगैरह देख रही हूँ, वीडियोस देख रही हूँ, तो जबरदस्ती मुझे भी दिखाती है और रात में सपने आते हैं, अपने बेड पे सो रहे हो ऐसे लग रहा था प्लेन में बैठे और कुछ हो जाएगा। भाई सच में बहुत तगड़े सपने आते हैं मुझे प्लेन वाले ना। आई थिंक मुझे देखने बंद कर देने चाहिए। ये गाड़ी निकली शोरूम से, नई गाड़ी। ओ मेरे दिल पे लगी है ये, पता है गाड़ी। हाय राम, देख वही है ना, स्टंट भाई। स्टंट नहीं, गाड़ी चलानी नहीं आती कईयों को यार। तेरे को याद है जब हम नई गाड़ी लेके आए थे? मेरे को याद है जब वो शोरूम से ना एग्जिट करानी थी, इतनी सी स्पेस थी, ये कह तो कर लेगा। मैंने भाई चाबी ली, सीधा उठाई, जो उनका ड्राइवर था ना उनको दे दी, भैया प्लीज आप निकाल दो। पहली बार का रिस्क नहीं लेने का, हीरो नहीं बनना। ये ना लेगो से एक बाइक बनाई गई थी बहुत $1 billion लगा के, और ये बंदे ने प्रेजेंटेशन के टाइम पे देखो क्या किया है इस बाइक का। ओ शिट, रिएक्शन देखो उस ब्लू शर्ट वाले का, शॉक लगा शॉक। सीरियसली पता है कितने साल लगे होंगे इसको बनाने में, कितनी क्रिएटिविटी लगी होगी, मैं सोच रहा हूँ। और एक हाथ लगते टूट गई, हमसे जो टूटे कोई सपना। भाई ये घर, भाई एक बंदे का पूरा घर कोलैप्स हुआ और पूरा रिकॉर्ड हुआ है। देख हाल क्या हुआ, रिवर के अंदर चला गया बेचारे का, कितना नुकसान। घर ही चला गया तो क्या नुकसान यार। यार वैसे रिवर बेल्ट पे बना हुआ था, बड़ा रिस्की जगह बना हुआ था यार। एग्जैक्टली, ये गाड़ी पार्किंग से सीधा जा रही है। दूसरे वाले ने निकाल ली अपनी गाड़ी, उसे देखते कि मेरी तरफ आ रही है, और वो गाड़ी सीधा
घर के अंदर क्रैश। भाई किसी की शॉप है और जिसकी है वो भागता हुआ आया। भाई उस बंदे ने क्या सही टाइम पे अपनी गाड़ी भगा ली वहाँ से, नहीं तो उसकी गाड़ी गई थी। हैंड ब्रेक लगाओ प्रेरणा, हैंड ब्रेक। ये लड़की भी कभी हैंड ब्रेक नहीं लगाती गाड़ी पे, ये तो मैंने देखा है। मैंने अपने ऊपर हैंड ब्रेक लगा रखी है आजकल। वुमेन। ये बंदे की जो रोल्स रॉयस है ना, वो अपने दिखा रहा है फीचर्स उसके कि कैसे होते हैं। हाँ ये होता है, अगर आप रोल्स रॉयस का वो निकालने की कोशिश करो ना, वो अंदर चला जाता है पता। हाँ, तो तू देख के करेगा। और तोड़ दिया एक रोल्स रॉयस का पूरा लोगो, एम्बलम, लोगो तोड़ दिया। कितने का आता होगा यार ये? भाई लाखों रुपए का आता है, सच बता रहा हूँ। इधर जा यार, गूगल करके देखता हूँ मैं रोल्स रॉयस का कितने का आता होगा। यार इसीलिए कहते हैं पंगे नहीं लेने चाहिए यार इतनी महंगी महंगी चीजों से, इन फड्डों में नहीं फंसना चाहिए। गाइस $2,00,000, सीरियसली $2,00,000 रॉयल्स रॉयस फैंटम का। इतने में तो एक गाड़ी आ जाती है। नहीं यार एक कई सारी, बंदा अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है टूर एंड ट्रैवल का। बेचारा जिसने तोड़ा उसका क्या हाल हुआ होगा ना। ये इन्होंने पिकनिक प्लान किया था पूरा, बफे लंच, और लंच तो कोई और ही खा रहे है, यहाँ पे शीप्स खा रही है। प्रेरणा की मेघने खा रही है। हाँ मैं इनको मेघने बोलती हूँ ना, कि बंदा अपने डॉगी के साथ खेल रहा है और ओ गया बेचारा बूढ़ा बाबा। एक्चुअल में बेचारे के हैमॉक को कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर कमर का इंश्योरेंस नहीं कराया होगा तो पैसा लगने वाला है। ये हैमॉक थोड़े रिस्की भी लगते हैं मुझे, इसलिए। कौन सी चीज दुनिया के रिस्की नहीं लगती? इसको रिवर साइड पे घर रिस्की लगता है, इसको रोल्स रॉयस को वो हाथ लगाना रिस्की लगता है, सब रिस्की लगता है। भाई एक्सपेंसिव है ये चीजें, डर लगता है। डर अच्छा है। और ये बंदा क्या कर रहा है, क्या चढ़ने की कोशिश कर रहा है? ये पूरा ना छत वापसी आ जाएगी। गिरा। I know it. कितना खुश है, कह रहा हा, मैंने तोड़ दिया। आया। दोबारा से करूंगा। ये मेरे को पता है क्या होने वाला है, पूरा केक खत्म हो जाएगा। पूरा केक जाएगा। उसने जिस तेजी की स्पीड के साथ गया। बेचारी कैसे अपना केक बचाने की कोशिश कर रही है, उसकी पूरी शादी का इतना अच्छा मोमेंट खराब कर दिया यार। यार इतने स्टंट, इतनी एक्टिंग की क्या जरूरत है यार, आराम से शैंपेन खोल लो। सीरियसली दैट्स नॉट फेयर। मैं अगर होती इस जगह पे मैं तो रोने निकल जाते ऑनेस्टली। स्टारबक्स ने इसकी जो ड्रिंक है थोड़ी ज्यादा ही ठंडी कर दी, तो इसमें अब थोड़ा और चीजें डाल रही है, स्वीट कर दी, ज्यादा स्वीट कर दी। ओह ले और बना ले अपनी नई कस्टम मेड स्टारबक्स। चीनी कम करनी थी और कर लो, जैसी मिलती है वैसी पी लेनी चाहिए ना। एक कौन सी मतलब इनको ज्यादा वो लगी होती है कि हम ऐसे कर ले वैसे कर ले। कस्टमाइजेशन करनी है उसको, बोल दो वो करके दे देगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये रेस्ट्रो में हॉट ऑयल वाला स्टंट चल रहा था और पूरी आग ही लग गई। लो जी ये इनको तो बड़ी ट्रेनिंग होती है शेफ्स को। ओह नो, पूरे रेस्ट्रो में आग लग गई। डैम नुकसान। और करो स्टंट। ये बंदी के ऊपर सॉरी बच गई यार वो। ओ शिट यार प्रेरणा, मेरे को पता कैसे लग रहा है, कितने सारे ग्रोसरी स्टोर हम जाते हैं ऐसे निकालते हैं ना, आजकल उसी कह देंगे भाई तू निकाल के दे दे। ऑलराइट ये बंदा उतरा अपनी गाड़ी से और ये इसका ट्रक फिर से हैंड ब्रेक नहीं लगाई। तो ये हैंड ब्रेक क्यों नहीं लगा? पूरी गई खत्म, उसने कोशिश भी नहीं करी। हर कुछ हो ही नहीं सकता था प्रेरणा, क्या कुछ कैसे नहीं हो सकता था, क्या कैसे रोकता बता चल यार। दूसरी साइड से भागता एटलीस्ट। हाँ। थोड़ी सी तो कंट्रोल। हैंड ब्रेक प्रेरणा, वो आगे जा चुका था जहाँ पे हैंड ब्रेक होती, तो वो कह रहे कि जाई जाए कोई दिक्कत भाई, नहीं है जान, जाए। जान से तो अच्छी है ना गाड़ी जाए। ठीक है गई तो गई, क्या कर सकते हैं। भाई ने $2,000 की शैंपेन को खोलने की कोशिश ऐसे करी। मैंने भी खोली थी। हमने स्लोवेनिया में करा है, ये कई जगहों का ट्रेडिशन होता है एक्चुअली, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बट ये क्या लगता है कर पाएगा? खत्म कर दिया। भाई ने पूरी बॉटल ही तोड़ी, दरिया बहा दिया शैंपेन। ये बहुत गलत होने वाला है। यार इमेजिन, आई हेट दिस फोटोशूट, मुझे गुस्सा आता है ऐसे फोटोशूट्स पे, सच बता रहा हूँ यार। यार मैं तो ये सोच रही हूँ जिसके शादी का दिन हो उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, सबसे मेमोरेबल दिन और वो भी कैप्चर हो गया है मोमेंट, जिंदगी भर एम्बैरेस्ड होंगे कि आए हाय हमारा क्या हुआ। अच्छा यार वैसे ये मोमेंट अगर शेयर करते हो ना आप तो हिट हो जाओगे यार, आप रील्स पे वायरल तो हो जाओगे, ये तो फैक्ट है। बट फिर भी यार मैं तो ऐसा नहीं जोखिम उठाना चाहूंगी, एम्बैरेस्ड कितने बेचारों के हाल देख, वाइट ड्रेस यार। एक और शादी वाला मोमेंट, ये रिंग्स एक्सचेंज होने वाली है, लड़के ने बॉक्स खोला और रिंग गिर गई पानी में, और कर लो रिवर्स साइड शादी। वायरल होना है यार, वायरल तो ऐसे ही होंगे ना। नहीं नहीं ये वायरल नहीं है भाई, वो वायरल था, ये तो नुकसान है गंदे वाला। भाई बंदे ने ना अपनी लैम्बो लगाई और बड़ा स्टंट करते ऊपर चढ़ गया और विंडशील्ड टूट गई, बहुत बढ़िया। मुझे समझ नहीं आता क्या मिलता है इनको ऐसे भाई को करके? दुख भी नहीं हुआ, इतना पैसा कमाना है प्रेरणा। सही है यार, मतलब हमें दुख ही ना हो जिंदगी में। ऑलराइट ये बंदा इसको प्रपोज करने लगा है और ये रिंग गई बेचारी रो रही है। ओ नो, एपिक प्रपोजल फेलियर, ऐसे फेल होता है प्रपोजल यार, इससे ज्यादा एक्सपेंसिव कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में। इमोशनल डैमेज। ये बंदा टेबल रखने की कोशिश कर रहा है, कितने आराम से कर रहा है और गई, टूट गई शिट।
पीसेस में बट गई यार, चकना चूर हो गई। दिल के जैसे हजारों टुकड़े होते हैं बेचारे के टेबल के, वैसा हाल हुआ है। इतना सुंदर स्विमिंग पूल है, लाल गाड़ी आई स्विमिंग पूल के अंदर। वाओ, मेरे ख्याल से गाड़ी का मन कर रहा होगा डाइव करने का। स्विम करने का, गर्मी ज्यादा होगी ना। एग्जैक्टली। ये केक का पीस उठाते हुए क्या लगता है हर्ष, क्या होने वाला है? पूरा केक गिरेगा। ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये मजाक। डाइवोर्स, डाइवोर्स, मैं कह रही हूँ शादी वाले दिन डाइवोर्स। यार क्या बेवकूफी है यार, इनको कुछ समझ नहीं आता यार, ये क्या तरीके। एक तो जो एक केक लगाते हैं ना आज की डेट में, मेरे को ये बंदे समझ ही नहीं आते यार। हो गया यार, अब हम बड़े हो गए हैं, लेट्स ग्रो अप मैन, वो भी शादी के दिन अपनी ब्राइड को। ऐसा तो नहीं करना यार, मेरा मूड खराब हो गया। यहीं पे खत्म करते हैं इस वीडियो को। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।